वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस और अनोखी क्लास में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स सेकेंड ऑफ सेप्टेंबर यस सेप्टेंबर महीने की हमारी पहली क्लास है दोस्तों प्रॉमिस दैट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग महीना और बहुत ही क्यूरियस डिस्कशन के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं इन पॉइंटर्स पे आज हम बात करने वाले हैं कहा जाता है कि जो रिवॉर्ड रिवॉर्डिंग होते हैं वो डेफिनेटली हम सभी की मेमोरीज के अंदर रहते हैं पर उनका क्या जो कि अनसंग है है ना तो ऐसा ही एक नाम कहीं ना कहीं असाम के एक गुमनाम नायक, अंसंग का फिर से बेसिकली यहां पे पटल है और मैं बता देता हूं पर्सन इन द न्यूज प्लेसेस इन द न्यूज एंड द इवेंट इन द न्यूज यूपीएससी में पूछा जा रहा है दोस्तों एक बार फिर से तो आपको भी अटेंशन बढ़ा लेनी चाहिए और भारत का पहला सौर वैद्यशाला मिशन जो है कहीं कहीं, कहीं हमारा फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है आदित्य वन इसको बेसिकली आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज के डिस्कशन का एप्पल है, है नौसेना का एक frigate, किया है. क्या होते हैं क्या है आपके पास में प्रोजेक्ट सेवनटीन प्रोजेक्ट सेवन एंडियस डिट प्रोजेक्ट हमने गत माह के करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन किया है आज फिर एक बार सहज दृष्टिकोण से इसके ऊपर हम विवेच ना आपके सामने लेके आएंगे फिर हम इसराइल और पैलेस्टीन के इश्यू को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए मैपिंग के दृष्टिकोण से इसराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक को जानेंगे फिर ऐसा ही एक कंफ्लिक जो है और चल रहा है यूरोपियन कंट्री आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। इन दोनों कंट्रीज के बारे में बेसिक जानकारी लेते हुए इनकी मैपिंग और लोकेशन को समझते हुए आगे बढ़ने वाले दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकेंगे क्लास खत्म होने के पश्चात जगदीश चंड्रस्कोर जाएंगे आप क्लास का होमवर्क जे जे सर पीडब्ल्यू यूपीएस इस टेलीग्राम हैंडल पर भी अपलोड कर पाएंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का सबसे पहला डिस्कशन मेन्स के एडिटोरियल परसपेक्टिव से एन अनईवन रिबाउंड एक असमान बदलाव देखिए हमारे भारत के बारे में यह कहा जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमी गुड और भारत के ये कृषि प्रधान देश की जो अर्थव्यवस्था है वह टोटल पे डिपेंडेंट है और इस साल का हम सभी को पता है कि सर कहीं लेस देन एवरेज रेनफॉल यहां पे देखा जा रहा है दोस्तों सो so, एक अनइवन रिबाउंड देखने को मिला है महंगाई को लेकर के मानसून को लेकर के क्या नए रिस्क हमारे इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था में आ सकते हैं उसके ऊपर बेसिकली यह संपादकीय अपने आप में बात कर रहा है सो वी आर अंडरस्टैंडिंग रिबाउंड इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहता हूं कि सर अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न ऐसा आए तो विल यू बी एबल टू राइट अगर नहीं तो इस डिस्कशन के थ्रू लिखने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि भारतीय इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं और ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए ठीक है ना ये दोनों ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं सात पॉइंट आठ परसेंट के करीब <coughs> पहले क्वार्टर में मतलब पहली त्रिमाही में और फॉर दिस

ग्रोथ फोरकास्ट को और ये मोमेंटम आगे पीछे क्यों हो रहा है उसको और आरबीआई ने जो ग्रोथ मोमेंटम तय कर रखा है उससे नीचे आने के कारण क्या सिग्निफिकेंसेज और क्या चैलेंज है क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव बेसिकली देखे जा सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है ठीक है ना बिल्कुल आगे बढ़े शैल मूव फॉरवर्ड एवरी चलो तो पहला ही बेसिकली यह जीएस पेपर थ्री से इकोनॉमिक सेगमेंट से इसको से इसको ले सकते हैं दोस्तों हम और इसको लेते वक्त आपको आपको याद रखना है कि जीडीपी को और जीवीए को सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और सकल मूल्य संवर्धन क्या होता है ठीक है ना इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मापा भी बेसिकली इन दो के अंदर ही जाता है ना जनरली हम कहते हैं भारत की जीडीपी इतने परसेंट गिर गई इतने लाख करोड़ की जीडीपी है इतने ट्रिलियन की जीडीपी है ना तो आप जनरली उस वक्त जीडीपी की बात कर रहे हैं और ऐसा ही एक और कंसेप्ट है जो जीडीपी के ही रिलेटेड है कहीं इनके कहीं जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन जिसको हम लोग कहते हैं आपका सकल मूल्य संवर्धन तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है आज की क्लास के अंदर इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग रहने वाला है आपके लिए क्योंकि जीडीपी तो हमने शायद आठवीं नौवीं दसवीं क्लास से एनसीआरटी में सीखा है अब जीवीए जो है है ना सरकार का और कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों का रुझान इसकी तरफ इसको थोड़ा सा जानेंगे और सीखेंगे यह पिछली चार तिमाहियों के दौरान जीडीपी में होने वाली सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित आठ फीसदी की वृद्धि के मुकाबले कम है क्योंकि इंडिया के आरबीआई ने माना कि सर हम लोगों की ग्रोथ होने वाली सात जबकि इस बार के क्वार्टर की ग्रोथ बताई गई सात तो पहले से तो बेहतर है परंतु जो हमारा अनुमान है उससे थोड़ा कम माना जा रहा है तो क्या है दोस्तों जीडीपी और क्या होता है जीवी देखो हमारे भारत के अंदर टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है है ना तो भारत में जितने भी वस्तुएं हैं जितने भी सेवाओं हैं उनका सकल मूल्य क्या है जो मार्केट वैल्यू फाइनल क्या है उनकी ठीक है ना जो भारत की टेरिटरी में भारत के क्षेत्र के अंदर बेसिकली बनाई गई है इन द द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री है ना एक साल के अंतर्गत तो उसको जी कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ठीक है दोस्तों यह आउटपुट को इनकम को और एक्सपेंडिचर को इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट किया जाता जबकि जीवीए क्या है ग्रॉस वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन

है ना महीने का किराया है बैंक का ब्याज है है ना मजदूर की मजदूरी है तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली जो मेरे को डिडक्ट करनी है इनपुट कॉस्ट और रॉ मेटीरियल को डिडक्ट करना है उस पर टैक्सेस है उसको भी डिडक्ट करना है तो जब ये सारी चीज डिडक्ट कर देंगे तो जो आपके पास में फाइनल प्रा, प्रा, प्राइस आएगा जो मूल्य आएगा उसको जीवीए कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है आपके पास में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा जाता है सपोज मैं ये कहता हूं कि सर प्लास्टिक रबड़ और इसके अंदर का जो भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स लगा है सौ रुपए का है है ना एक मजदूर ने इसको बनाया उसकी मजदूरी उसकी कॉस्ट है सौ रुपए की दो सौ रुपए आपके पास में टोटल पर मार्केट में ये कितने में गया मार्केट में गया जा रहा है सर आपके पास में पांच सौ रुपए का तो समझने की कोशिश की जब आपने वह कच्चा माल रॉ मेटेरियल सौ रुपए हटा दिया जब आपने वह इनपुट कॉस्ट भी हटा दी सौ रुपए अब आप एग्जैक्टली exactly क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जीवी है। तो आपने मूल्य संवर्धन कितना किया तो सौ रुपए की मजदूरी और सौ रुपए के माल को मिला करके आपने उसका भाव बना दिया पांच सौ रुपए आपने वैल्यू एडिशन किया कहीं की ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया है ठीक है तो उस वैल्यू एडिशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है यहां पे आप आउटपुट को कहीं कहीं कैलकुलेट करते हैं है ना और कई कंट्रीज में जहां पे जीडीपी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी किसकी अर्थ ना से ग्रोथ कर रही है कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये सारी चीजें जीडीपी के आधार पर की जाती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मापदंड ही यही है जबकि जीडीपी से ज्यादा बेहतर जो क्राइटेरिया हो सकता है वो है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो ये एक प्रॉक्सी भी है कई देशों के अंदर इसको जीडीपी की जगह आर्थिक पैमाने को मापने के लिए कि एक राष्ट्र एक देश आर्थिक दृष्टिकोण से कितना बेहतर कर पा रहा है जीवीए को ज्यादा बेहतर प्रायोरिटी दी जा सकती है तो एक टेक्निकल रिलेशनशिप है जीडीपी क्या है आपके पास में जितने भी अलग अलग सेक्टर्स का जीवीए होगा प्लस जो टैक्सेस है आपके पास में उसमें से सब्सिडीज अगर हटा दी जाए तो हमको आपके पास में जीडीपी मिलती है कुल मिला के बात है दोस्तों कि आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होगा जो भी आपकी जीडीपी है उसमें से आप टैक्सेस को हटा दीजिए और सब्सिडीज को ऐड कर दीजिए आपके पास में तो जो अब आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट आया है उसको आप लोग कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ना मूल्य संविधान कहा जा सकता है आपके पास में आर यू क्लियर एट दिस याद रखना जीडीपी जो होती है वह राष्ट्रीय स्तर पे जैसे इंडिया लेवल पाकिस्तान लेवल यूएसए लेवल पे कैलकुलेट की के जाती है नेशनल लेवल पे जबकि जीवीए जो कैलकुलेट किया के जाएगा ना वो रीजनल लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे कैलकुलेट किया के जाता है ठीक है ना इसको याद रख सकते हैं आप लोग सो so, आपको यहां पे याद रखने की कोशिश करनी है कि जैसे सपोज जीवीए मेरा भारत में कृषि कैसा करती है तो कृषि का जीवी अलग होगा भारत में उद्योग कैसा करे तो इंडस्ट्री का जीवी अलग है भारत में सेवाएं सर्विसेस ट्रेड कैसा कर रहे है तो उसका जीवी अलग है तो इन सब जीवीए को जब मैं मिला लेता हूं है ना अलग 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 जितना भी आपके पास में जीवीए है है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का हर सेक्टर का जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन जब मैं मिला लूं उसका सिग्मा कर लूं उसके बाद में से से जब मैं टैक्सेस को को और सब्सिडीज उसमें टैली आउट कर दूं प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज तो मेरे को जीडीपी मिलती है सर है ना अब वही चीज अगर जीवीए को मेरे को इधर लाना है जीडीपी को इधर लाना है तो वो चीजें माइनस में हो जाएगी तो जीवीए इज जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज ये जीवीए कैलकुलेशन करने का है तो सपोज भारत के अंदर आपको यह पता करना हो कि पहले से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप क्या करते हैं कि सर आप जीडीपी को परसेंटेज के अंदर बताता है कि, इतने तो एक आम समझ पाता है कि मेरा भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी या घटी या कैसे क्या हो रहा है जबकि इसका ठीक दूसरा एक आ, आ, बिंदु आप देख सकते हैं जीवीए के अंदर अब जो आदमी अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ रखता है सामरिक मुद्दों की अच्छी समझ रखता है वो कहेगा जीवीए बताओ भैया ग्रॉस वैल्यू एडिशन बताओ क्योंकि जीडीपी तो बेसिकली वृहद लेवल पे बात की ना हमने पूरे भारत के लेवल पे बात की वस्तुएं सेवाएं सारी चीज आ गई उसमें अब मुझे आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जीवी सर GVA और GDP जो है आपके पास में द ग्रोथ रेट्स हैव द डाइवर्स इन द 2018 है ना भारत के अंदर GDP की ग्रोथ रेट्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगी GVA के हिसाब से करेंगे तो अलग आएगी आपके पास में तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 2015 16 के आसपास में लगभग GDP और GVA ग्रोथ रेट 8% के करीब था पर 15 16 के बाद में 17 18 से बेसिकली आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं रेड वाला GDP है ब्लू वाला जीवीए परंतु अभी अगर मैं बात करूं कोरोना के बाद की 2021-22 की तो जब आपका भारत का जीडीपी ग्रोथ बताया जा रहा है जीवीए के अकॉर्डिंग ग्रोथ बताया जा रहा है मतलब कहीं कहीं कमी दर्शाई जाती ये रियल होती है रियल पिक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है ना क्योंकि यह सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन को इनपुट को आउटपुट को कैलकुलेट करके बनाया जाता है तो ज्यादा बेहतर पिक्चर कौन दे पाता है जीवीए दे पाता है परंतु यहां क्योंकि वह भारत का सपोज प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र जो है वह शायद अमेरिका या किसी यूरोपीय देश के सेवा क्षेत्र से कई बिंदुओं पे भिन्न हो सकता है कई तर्कों पे उसमें अंतर पाया जा सकता है अतएव जीवी को अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करने में यूज नहीं लिया जाता है और एक मानदंड एक यार्डस्टिक एक पैमाना जी ही माना जाता है क्योंकि ये यूनानिमस है सारे के सारे देश आज की तारीख में इसी को एक मापदंड मानते हैं अपनी आर्थिक समृद्धि अपने आर्थिक विस्तार को या संकुचन को यहां पे दृष्टि पटल रखने हैं तो दोस्तों सपोज आपके पास में फिजिकल कॉस्ट जो है रिसेंट अनाउंसमेंट्स की वो भी यहां पे दी जा रही है आपके पास में ठीक है ना करोड़ के अंदर दे रखी आपकी जैसे सपोज फर्टिलाइजर सब्सिडी है फ्यूल टैक्सेस है एडिशनल सब्सिडी है एलपीजी सब्सिडीज तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज जो है वो इसमें टैली आउट कर दिए जाते हैं जब मैं जीवी को कैलकुलेट करता हूं ठीक है ना क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट का करा धराया होता है और जब गवर्नमेंट बेसिकली कोई चीज को लेकर आ रही है तो वो कोई मूल्य संवर्धन छोड़ी हुआ सपोज अगर सरकार कोई चीज पे टैक्स मुझसे ले रही है आपके पास में सपोज आपके पास में सरकार सब्सिडी दे रही है तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन जो है वह कहीं नहीं दिख रहा होता राइट और रॉन्ग वहां पे मूल्य संवर्धन नहीं दिख रहा होता है तो इंडिया ही नहीं कई कंट्रीज के अंदर जीडीपी और जीवीए है ना तो ट्रू पिक्चर ज्यादा गहराई और ज्यादा भीतर की बात बताएगा रीजनल बात बताएगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक उद्योग स्पेसिफिक बात बताएगा जीवीए है ना कई शायद मित्रों को यह पता होगा कि सर जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का एक सकल पैमाना है अपितु जीवीए उससे भी एक बेहतर पैमाना हो सकता है पर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर जी डी पी है तो आज भी इसी को ही माना जाता है दोस्तों राइट तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे आप यहां पे देखेंगे जीवीए का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपको दिखाया जा रहा है ग्रॉस कितना ट्रेड होटल का नौ पॉइंट दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सात पॉइंट नौ कंस्ट्रक्शन का है सात पॉइंट नौ अलग अलग उद्योगों का अलग अलग जीवीए कैलकुलेट किया फिर इन सभी को जोड़ करके हमने एक पूरे भारत का जीवीए अलग से दे दिया आपके पास में आर यू एबल टू अंडरस्टैंड तो यहाँ पे हमारे कोर सेक्टर्स याद करो हमने कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज आई आईपी बढ़ा था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसमें से जो कोर सेक्टर्स को पढ़ा था और उन्ही कोर सेक्टर्स के अंदर बेसिकली किस तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था में वाकई सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आ रहा है या फिर स्थिति वहीं की वही बनी हुई है उसका बेहतर पिक्चर बेसिकली यह देने का कार्य करता है

उसकी भी इकोनॉमी बड़ी ही है सर आपके पास में सो चैलेंजेस अहेड क्या है अब जो चुनौतियां जो आप उसके उत्तर में लिखने वाले लेकिन आने वाले महीने में ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होंगे वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के पहले से माल निर्माण मालों के निर्यात मतलब एक्सपोर्ट्स को लेकर के फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के प्रभावित हो सकती है मुद्रा स्पीति इंसलेशन की बात की जा रही है आपके पास में नए सिरे से उछाल से घरेलू मोर्चे पर दबाव पड़ेगा फिर कमजोर मानसून हुआ है एक तो महंगाई ऊपर से आटा गिला है ना तो मॉनसून के कारण क्या हो रहा है फसलों की पैदावार कृषि से होने वाली आय कम हो जाएगी उसके कारण और लोगों के ऊपर एक एक जो है है कॉस्ट पड़ने वाली तो वो भी एक अपने आप में खतरनाक सी चीज होने वाली राइट सो वील अंडरस्टैंड दिज ऑल थिंग एंड वील मूव अहेड सो इट में गुड पेस एट राइज इन थ्री इन द क्यू बट मेड टेपर ऑफ द मॉनसून टिप प्रोग्रेस एंड द फियर दैट द लो रिजर्वल्स लेवल में हर्ट द रबी क्रॉप है ना तो यहां पे बताया जा रहा है कि सर रबी क्रॉप क्रॉप हमारी खराब हो सकती है है अभी कौन सी चल रही है? गर्मियों में बारिश में कौन सी बोई जाती है रबी फसल है ना सो हेडलाइन ग्रोथ फॉर द सर्विस सेक्टर वर रोबर्स एंड ट्रेडिस ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट नाइन से ग्रो हुआ है ठीक है ना बस इतना सा है बेसिक सी चीजें हैं जो आपको बतानी है मूविंग अहेड और हम बात करने वाले हैं अगला आर्टिकल एस पेपर वन के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में इनको चुना जा सकता है दोस्तों गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र के मध्य भारत के मूल निवासी मंगरी और जीवन और क्रांतिकारी उत्साह पर आधारित एक बहुभाषिक नाट्य मालती मैम का मंचन किया गया तो कौन है मालती मैम दोस्तों मालती मैम जो है दोस्तों आपके पास में वह वह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है क्यों है इसको जाने के वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महिला शहीद है यस yes. और और यूपीएससी पूछता है ना ऐसे ही कुछ नाम जो अनोखे से हैं अपने आप में यूनिक से हैं और कहीं बेसिकली सुर्खियों में रहे ठीक है ना तो ब्रिटिश काल से आजादी के भारत के संघर्ष का एक गुमनाम नायक है थी? मतलब इनका नाम ज्यादा बेसिकली इतना हमको किताबों में अखबारों में नहीं देखने को मिलता पर अभी हालिया में बेसिकली वापस इनका नाम देखने को मिला है है ना तो इन्होंने विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ठीक है ना उन्नीस में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इनको गोली मार दी जाती है दोस्तों इसके साथ ही क्योंकि ये थे हाँ अपने नॉर्थ ईस्ट में जहां पे चाय के खेत होते हैं तो ये जो मालती मैम है नथिंग बट आपके उस बागानी क्षेत्र के अंदर एक लीडर थी वहां की ठीक है ना वहां के ही उन बागानों में चाय के बागानों में जो मजदूर काम करते थे उन सबके बीच में एक लीडर थी है ना तो मालती मैम कह करके वहां के बागान के कर्मचारी इनको बुलाते थे ठीक है ना तो मैम साहब कह दो मालती मैम कह दो सो so, वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महिला सही थी शायद ऐसे कई विद्यार्थियों को यह नहीं पता है यह जरूर पता होना चाहिए दोस्तों आपको भी ठीक है यह देखिए इनके लिए बेसिकली जो है अभी हाल ही में है ना भारतीय स्वतंत्र संग्राम के गुमनाम नायक है ना द अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक स्पेशल कवर का भी अनावरण किया गया है इंडियन पोस्ट के द्वारा पिछहतर भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में है ना मैलती मैम मांगरी औरंग नाम तक क्या ना मालती मैम मांगरी और अब बात करते हैं आज की क्लास के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी सोलर सूर्य ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व करना सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहां अपने एक पास्तर पे रॉकेट पे एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को सेंड कर रहे हैं कहा जाएगा पृथ्वी से डेढ़ लाख किलोमीटर की दूरी क्या सूर्य पे जाएगा नहीं सूर्य से तो शायद ये दूरी कई गुना है दोस्तों ठीक है ना पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मिशन है इसका नाम क्या है? दोस्तों मिशन का नाम है आदित्य एल वन आदित्य जब हमने छोटी कक्षाओं में सूर्य के पर्यायवाची सूर्य दिन दिनाकर भानु भास्कर तो आदित्य भी पढ़ा था यही आदित्य मिशन का नाम है सर अब एल वन क्या है वन का मतलब होता है लैग रेंज पॉइंट क्या नाम है लैग रेंज पॉइंट अब लैग रेंज पॉइंट क्या होता है उसको समझना है तो कुल मिलाकर के अर्थ और सन सिस्टम के बीच में पांच लेगरेंज पॉइंट होते हैं उन पांच लेग्रेंज बिंदुओं में से एक लेग्रेंज बिंदु का नाम है एल वन यह आदित्य मिशन यह सैटेलाइट वन बिंदु पे जाकर के एक स्थिर अवस्था के अंदर क्या करेगा सूर्य के बाह्य वातावरण या एटमॉस्फेयर या कोरोना का स्टडी करने वाला सर क्या यह वही कोरोना है जो पेंडेमिक था नहीं कोरोना मतलब द आउटर सरफेस ऑफ सन उसको भी कोरोना शब्द दिया जाता है ठीक है तो उसे कंफ्यूज मत हो जाना तो यह किस आ, 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 पेलोड के साथ में भेजा गया है दोस्तों याद रखना कि सर पीएसएलवी है ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी सत्यावन सी फिफ्टी सेवन यह आपके पास में रॉकेट है जो इस आदित्य एलवन को बेसिकली जो है लॉन्च करने वाला है दोस्तों राइट लॉन्च कहां से होगा श्रीहरिकोटा से होगा श्रीहरिकोटा से होगा ठीक है ना याद रखेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरि कोटा वहां से लॉन्च होने वाला है आज दो सेप्टेंबर को कब होगा ये दो सेप्टेंबर को दोस्तों इट वेरी बेसिक आइए अब ये तो वो जानकारी हो गई जो डे एग्जाम में पूछी जाती अब हम उस जानकारी की बात करने वाले हैं जो आप अपने मुख्य परीक्षा तक भी ले जा सकते हैं जिसपे इंटरव्यू के भी प्रश्न बन सकते हैं आइए जानकारी लेते हैं देखिए भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है है ना कि भारत का पहला सौर वैधशाला मिशन है आपका है ना इसको बेसिकली शनिवार 2 सितंबर को सुबह ग्यारह बज के पचास मिनट पे श्रीहरिकोटा क्षतिश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया ये ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी पे बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है ठीक है इसको याद रख सकते हैं हम लोग वेरी वेरी इजी अब ये क्या करेगा अक्सर इसके अंदर जो पेलोड है यह जो सैटेलाइट है जो इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में है वह वह क्या करेगा सूर्य के आउटर एटमोसफेयर इसको बेसिकली स्टडी करने वाला आइए इसको भी थोड़ा सा और समझते और सीखते कितना दूर जाकर के स्थापित होगा सर यह पृथ्वी से निकल करके एक दूर से बिंदु मतलब पूरा क्या सूर्य पे जाएगा सूर्य पे जाएगा खत्म हो जाएगा हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान है जल के भस्म हो जाएगा ठीक है ना तो यह इतना नजदीक खड़ा रहेगा कि जहां पे पृथ्वी के साथ में इसका कनेक्शन इसका कहीं कहीं संचार कम्युनिकेशन सही बना रहे और सूर्य के इतना नजदीक बना रहेगा कि जिससे सूर्य की महत्वपूर्ण जानकारी अंडरस्टैंडिंग वह पृथ्वी तक भेज सके राइट right? मतलब वह उस बिंदु पे बना रहेगा एल वन बिंदु पे लेग रेंज पॉइंट पे यह बिंदु क्या होता है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में वह बिंदु है जहां पे क्या होगा इक्विलिब्रियम का क्योंकि पृथ्वी का भी तो गुरुत्वाकर्षण है सोचो यह माउस है ना छोड़ते ही नीचे गया क्यों गया क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो क्या पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य क्या सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है जी हाँ तो फिजिक्स के बेसिक लॉस से हमको ये पता है कि हर एक मास के अंदर बेसिकली क्या होगा एक ग्रेविटेशनल पुल जरूर लगने वाला है तो सपोज यहां पे अगर इस बिंदु के ऊपर हमारा ये सैटेलाइट आ रहा है तो ये सैटेलाइट जो है ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स में होगा कि सर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है उतना ही बल जो है पृथ्वी अपनी तरफ भी लगा रही है मतलब ये एक इक्विलिब्रियम के एक बैलेंस की स्थिति में होगा और उस बैलेंस की स्थिति में क्या होगा सर आपके पास में कि सर यहां पर फ्यूल कम जलेगा और यहां पे स्टेबिलिटी से ये कहीं ना कहीं रह सकता है और सूर्य को ऑब्जर्व कर पाएगा इसको बिंदु कहा गया ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जहां पृथ्वी व सूर्य दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण इक्विलिब्रियम में हो है ना सपोज कोई मेरे को इधर से जो है एक आदमी जो खींच रहा है और इधर से एक आदमी खींच रहा है जहां से ज्यादा बल लगेगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा पर क्या हो अगर दोनों ही बराबर समान बल से मेरे को खींचे शायद मेरी स्थिति वही बनी रहे राइट वही समान स्थिति पे तो चंद्रयान सॉरी जो हमारा आदित्य एलवन है यह भी बेसिकली इस रेंज वन पॉइंट पे ही स्थित रहने वाला है दोस्तों तो पृथ्वी यह है आपका सूर्य तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकता है दोनों के बीच में तो हम कहते हैं सर एक तो जो है कि सीधी रेखा में पृथ्वी के पार एल टू एक पृथ्वी और सूर्य के बीच में एल वन और एक सूर्य के भी पार एल थ्री तो सर तीन तो अर्थ के ऑर्बिट में ही है एल वन एल टू और एल थ्री वे बिंदु जहां पे पृथ्वी और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्षीण हो जाएगा एक स्टेबल एक स्थिर अवस्था में हमारा सैटेलाइट कम ईंधन कम फ्यूल की खर्च के साथ में खड़ा रह सकता है इसके अलावा एक देखो संबाहू कहीं ना कहीं त्रिभुज बन रहा है ये देखो है ना इसके इसके इस शीर्षाह त्रिभुज के शीर्ष पे यहां पे L4 पे और L5 पे भी यहां पे भी क्या हो रहा है कि जिस फोर से रही, उतने ही फोर से सूरज भी खींच रहा है तो ये भी दो लैग्रेंज पॉइंट है और इन दो लैग्रेंज पॉइंट पे भी स्टेबल रहता है कहने को एल और एल ज्यादा स्टेबल है ज्यादा स्थिर है जबकि एल वन और एल तीन अनस्टेबल लैग्रेंज पॉइंट में आता है परंतु अभी जो हमने भेजा है मिशन वो इस बिंदु पे लेग्रेंज वन पॉइंट एल वन पॉइंट पे जाकर के स्थापित होने वाला कितनी दूरी पे है यह बिंदु यह आपको जानना जरूर चाहिए दोस्तों ठीक है ना तो लेग्रेंज पॉइंट की जानकारी मैं आपको देता हूं यह एक आ, स्टेबल पोजीशन है है ना दो लार्ज बॉडीज यहां पर लार्ज बॉडीज पृथ्वी और सूर्य दो है आपके पास में जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों बॉडीज का वह बैलेंस आउट हो जाता है तो दो स्टेबल पॉइंट हो सकते हैं इसके एल फाइव और Unstable है एल टू एल थ्री हम जानकारी ले चुके हैं दोस्तों तो आदित्य एलवन जो है वो, आ, ट्रांस, आ, ना ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डेस्टिनेशन इट, इट दे 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 विल स्टे अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर तो एक पॉइंट पांच मिलियन बराबर पंद्रह लाख किलोमीटर कितना है दोस्तों पंद्रह लाख किलोमीटर क्योंकि एक मिलियन बराबर क्या हुआ एक मिलियन के करीब हो गया दोस्तों आपका डेढ़ लाख है ना एक मिलियन मतलब दस लाख तो डेढ़ लाख तो पंद्रह लाख किलोमीटर यह पृथ्वी से दूर जाकर के पंद्रह लाख किलोमीटर है ना पृथ्वी से कितना दूर पंद्रह लाख किलोमीटर दूर जाकर के सूर्य की स्टडी करने वाला है ऑब्जर्व करने वाला है वैद्यशाला एक ऑब्जर्वेटरी है ठीक है बच्चा यह याद रख सकते हैं हम लोग बहुत ही बेसिक है और यह क्या करेगा कैसी इंफॉर्मेशन देगा हमको तो यह कोरोनल हीटिंग के बारे में बताएगा है ना सूर्य के बाह्य एटमॉस्फेयर की जो आ, कितना तापमान है वहां पे कैसे वहां से सोलर फ्लेयर्स मास इजेक्शन हो रहा है प्री फ्लेयर्स क्या है आपके पास में फ्लेयर एक्टिविटी कैसे हो रही है सूर्य के ऊपर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या डायनेमिक्स है स्पेस वेदर कैसे प्रभावित होता है उसके कारण है ना सोलर पार्टिकल सोलर कई मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में जानकारी मिलेगी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है टोटल हम लोग कहते हैं सर 93 मिलियन माइल्स या हम लोग इसको कहते हैं 150 मिलियन किलोमीटर तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर है ना तो आपके पास में लगभग एक मिलियन दस लाख हो गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पंद्रह लाख किलोमीटर पंद्रह सौ लाख किलोमीटर के बीच की और यह कित किस दूरी पे खड़ा रहेगा सर आपका आदित्य एलवन किस दूरी पे खड़ा रहेगा आदित्य एलवन जो है भैया वह पृथ्वी से है ना लगभग मिलियन है ना लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा तो जब हम कह रहे हैं कि सर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग पंद्रह सो लाख किलोमीटर उस पंद्रह सो लाख में से मात्र पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पे यहां पे है ये यहां पे है आदित्य एलवन ये रहा आपका आदित्य एलवन यहां पे तो आप ये मत सोचना कि सूर्य के बहुत नजदीक चले गए सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है है ना मिलियन मिलियन माइल्स या 150 किलोमीटर जिसको देसी भाषा में कहो 1500 लाख किलोमीटर है तो हमारा आदित्य एलवन है दोस्तों लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा सर एक दिन लगेंगे इसको वहां पर पहुंचने में कितने दिन एक दिन लगेंगे आपके पास में पर क्या हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हुँ? ये भी पढ़ा सर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार चक्र ऑर्बिट में कक्षा में चक्र लगाती है ना द अर्थ अराउंड द सन इन रिराउंडिकल ऑर्बिट ओके और सूर्य उसके सेंटर पे नहीं है मतलब कभी कभी पृथ्वी नजदीक है तो कभी दूर है जब दूर है तो ये 150 मिलियन किलोमीटर है जब नजदीक है तो 147 मिलियन किलोमीटर भी थी तो जब हम पढ़ रहे हैं तो मोर और लेस है ना ये वाला जब साइन करके लिखते हैं मतलब

चारों तरफ बेसिकली ये क्या करेगा आदित्य क्या करेगा करेगा और लगातार करते हुए सूर्य की है ना जैसे पृथ्वी से आकर के ये है, यहां पे ये ऑर्बिट करेगा इस बिंदु के चारों तरफ और यह सूर्य की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा पृथ्वी तक भेजने का कार्य करेगा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस यह है आपका एलवन मिशन एल वन मिशन तेईस करोड़ रुपए में बनाया कितने में बनाया दोस्तों इसको पंद्रह किलोग्राम भारी है सीरियर कोटा से भेजा है ठीक है ना बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हैं एल वन पॉइंट पे एल वन पॉइंट पे है आपका ये ठीक है बस आदित्य एलवन है ना अब कुछ अखबारों के अंदर बेसिकली जबरदस्त है ना जैसे प्रभात खबर आदित्य एलवन मिशन जो है वह लेग्रेजियन पॉइंट पर बैठकर कोरोना का राज खोलेगा आदित्य एलवन इसकी बात की जा रही है अब कोरोना वो कोरोना वाली बात नहीं है कोरोना क्या है सूर्य का बाह्य एटमोसफियर आउटर एटमोस्फेयर है ना जैसे हमारा होता है ना ट्रोफोस्फेयर है ना एग्जोसफेयर है ना सो मंडल समताप मंडल वैसे सूर्य का भी एक एटमॉस्फेयर है तो उस सूर्य का भी आउटर एटमॉस्फेयर बाहरी एटमॉस्फेयर अभी हम सतह की बात नहीं कर रहे दोस्तों सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर के बाहर वातावरण को कोरोना कहा जाता है और यहां से जो कि मिलियंस ऑफ द किलोमीटर लाखों किलोमीटर की त्रिज्या में फैला हुआ है आउटर स्पेस के अंदर उस बाह्य कोरोना बेसिकली स्टडी है ना और यहां से आने वाले इन सोलर फ्लेयर कोरोनल मास इंजेक्शन सोलर विंड्स को है है ना इन है ना इन फोटोस्फेयर को को सनस्पॉट्स इनको जानकारी लेने की कोशिश करेगा आगे बढ़ते हैं हम जानते हैं इंडिया की नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में ठीक है ना नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में स्टेल्थ का क्या मतलब हो गया सर आपके पास स्टेल्थ का मतलब हो गया स्टेल्थ का क्या मतलब हो गया <coughs> ऐसी चीज जो डिटेक्ट ना हो सके है ना जो पकड़ी ना जाए इंडिया की स्टेल्थ फ्रिगेट है महेंद्र इसको लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट कौन सा था प्रोजेक्ट है सेवेंटीन ए सत्रह ए ये याद रख सकते हैं आप लोग है ना वाइस प्रेसिडेंट जनदीप धनकर साहब ने मसगांव डॉक शिप यार्ड से इनको मुंबई में लॉन्च किया है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है यह फ्रिगेट है यह भारत की नेवी के लिए दैट्स इट अब आदित्य एलवन की कुछ स्लाइड्स बच गई थी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको एलवन पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया आपके पास में ठीक है ना एलवन पॉइंट की कक्षा में देखो सबसे पहले इस मिशन को समझना सबसे पहले अर्थ की लोअर ऑर्बिट में चलेगा है ना निचली कक्षा में चलने वाला है उसके बाद में यह चार बार कक्षा को बढ़ाएगा वन टू थ्री और फोर उसके बाद में पृथ्वी की कक्षा एलवन के निकट लेके जाएगा ये एलवन पॉइंट के निकट लेके गया और उसके बाद में क्रूज करेगा क्रूज मतलब अपने डायरेक्शन को खुद कंट्रोल करेगा और फिर इस एलवन पॉइंट के आसपास में जाकर के क्या करेगा इस कक्षा में एंटर करेगा क्या सर ये एलवन के चारों तरफ ये कक्षा इसके चारों तरफ है ना और एलवन पॉइंट के कक्षा में घूमता रहेगा और यह चार महीने में L1 पॉइंट पे पहुंचेगा जिसको हम लोग कह रहे हैं 110 दिन में तो ये अभी भेजा है हमने आज 2 सितंबर है क्या है दो सितंबर फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर लगभग न्यू ईयर के पहले यह कहां पहुंच जाएगा आपका लगभग न्यू ईयर के पहले यह पहुंच जाएगा इस एलवन पॉइंट पे ठीक है अब यहां पे सूरज के किनारे पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा सूरज के वायुमंडल की जानकारी को रिकॉर्ड करेगा पृथ्वी पे आने वाले सौर वाले सौर विकिरणों के मौसम पर पड़ने असर को बताएगा और सूरज के किनारे से उठने वाले तूफान सोलर आ, आ, जो विंड्स है उनके बारे में जानकारी देगा हमको तापमान के पैटर्न को समझेगा अच्छा ये अपनी तरह का क्या ये मात्र एक ही मिशन है नहीं सर इससे पहले भी कुछ मिशन थे आदित्य एलवन पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाने वाला मतलब अर्थ के के ऑर्बिट बाहर के जो अर्थ को ऑर्बिट ना करे अर्थ के ऑर्बिट बाहर जाने वाला पांचवा मिशन मिशन है है आपका ठीक ना इससे पहले और भी चार गए कौन सा गया 2008 में चंद्रयान एक फिर 2013 में हमने भेजा था मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम जिसको कहा था हमने फिर चंद्रयान दो गया था 2019 के अंदर फेल हो गया था अब चंद्रयान तीन हमने भेजा अभी पूरे देश ने सेलिब्रेट किया चौदह जुलाई को हमने क्लास में भी लाइव प्रोजेक्ट किया था उसको फिर आदित्य एलवन आज के दिन दो सितंबर को हमने भेजा मतलब अर्थ के ऑर्बिट को पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम करके ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं और चला जाए तो यह ऐसा इसरो का पांचवा मिशन है है दोस्तों अपने आप में ही ठीक है ना आई होप जिस तरीके से चंद्रयान थ्री सफल रहा है यह आदित्य एलवन भी सफल हो क्या आपको क्या लगता है है ना आज एक और चैट बॉक्स में ट्रेंड चलना चाहिए चैट बॉक्स का ट्रेंड क्या होना चाहिए आपके पास में ट्रेंड टॉपिक होना चाहिए हैश टैग इसरो जिंदाबाद हैशैग इसरो जिंदाबाद चलो अब हम दोस्तों इस फ्रिगेट पे वापस आते, पे वापस आते हैं महेंद्रगिरी पे तो ये जो फ्रिगेट नौसेना के लिए युद्ध पोत है एक तरह का ठीक है ना मुंबई में डॉक डौ, लिमिटेड ने अभी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के अंदर याद करो इससे पहले हमने पढ़ा था विंद तारागिरी दौड़ागिरी उदयगिरी हिमगिरी नीलगिरी के बारे में आज ये इसकी जो है सीरीज में लास्ट आईएनएस एन एस महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया है ना नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है आपकी सात वेसल से चार हजार करोड़ के हिसाब से पर वेसल बनाई गई है मल्टी रोल नेवल वेसल है आपके पास में फ्लीट प्रोटेक्टर तो जो जो नेवी है जब वो चलती है आपके पास में इंडियन नेवी ऑपरेट करती है तो उसका पूरा बेड़ा होता है मतलब एक दो छोटी छोटी जहाज नहीं होती है वो कई सारी जहाजें होती है साथ में तो मल्टी रोल नेवल यहां पे आपके पास में देखा जा सकता है दो में बेसिकली यह सेवनटीन ए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था आपके पास में और इसको कहीं ना कहीं आपने देखने की कोशिश की होगी नीलगिरी भी बेसिकली दो हजार उन्नीस से अच्छा इसको अभी गया गया। जैसे को अभी लॉन्च किया गया था। जो इन सीरीज थी। अभी तक है, तो है। जैसे नीलगिरी दो से दो बाईस दो तीन साल इसका परीक्षण चलता है फिर इसको नेवी के साथ हाँ अब जाओ, जाओ जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी तो फिर ये कहेंगे बेड़े के साथ फ्लिट के साथ इसको अटैच किया जाता है फ्रिगेट है दोस्तों आपके पास में एक से ज्यादा रोल होता है आपका ठीक है तो अब इसका नाम किस पे दिया महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी क्या है हमारे उड़ीसा राज्य के अंदर एक पूर्वी घाट के एक पर्वतीय पीक है सत्रह ए प्रोजेक्ट के अंदर ब्रिगेड का निर्माण किया जाता है सत्रह क्लास ब्रिगेड शिवालय फीचर होगा एडवांस इट इन हाउस बाय द इंडिया नेवीज़ बाई डिज़ाइन ब्यूरो है ना तो इसको डिजाइन किसने किया तो इंडिया की नेवी का वॉर डिजाइन ब्यूरो है ना आई एन डब्ल्यू बी डी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस सिंप है ना और ये कहीं कहीं सिंबल ऑफ द इंडिया डिटर्मिनेशन टू एम्ब्रेस इट्स रिच नेवल हेरिटेज

ताकि ऑब्जर्व नहीं किया जा सके है ना इनको डिटेक्ट ना किया जा सके एनिमीज़ के द्वारा और इंफ्रारेड सिग्नल्स बहुत ही कम हो इनके ठीक है ना तो पहली स्टेल कौन सी थी आपके पास सत्रह नीलगिरी है ना अभी कौन सी है महेंद्रगिरी? चलो अब हम इसराइल और पैलेस्टीन में कुछ समस्याएं चल रही है उसको थोड़ा सा जानते हैं इसराइल फोर्सेस ने एक पैलेस्टीनियन को मार दिया है दोस्तों और वेस्ट बैंक के अंदर जानते हैं क्या है यह समस्या उसके इंटरनल है तो हम थोड़ा कुछ ज्यादा उस पर कोई कमेंट करेंगे नहीं बट हम ये जानेंगे कि इसराइल और इस क्षेत्र से कई प्रश्न आए जैसे गोलान हाइट्स न्यूज में रही है ना इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू वॉट क्या ये सेंट्रल एशिया में मिडल ईस्ट में है साउथ ईस्ट एशिया में या फिर सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है तो हम कहते हैं है, East, सर ये मध्य पूर्व में इट इज इन द मिडल ईस्ट इट इज इन द दिडल ईस्ट फिर सर है इज अ 1200 स्क्वायर किलोमीटर रॉकी प्लेट्यू जो कि कहीं कहीं सीरिया के साउथ वेस्ट में ईस्ट के रीजन में आता है औ, 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 और, और गोलाम जो है वो सीरिया की टेरिटरी था आपके पास में 1967 में इसराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया था छह दिनों में इसराइल ने अपने आसपास के सारे देशों को बेसिकली हरा दिया था सिक्स डे वॉर में है ना और सीरिया के इस गोलान टेरिटरी को उन्नीस आपके पास में ठीक ठीक है ना पर बाद में रिटर्न भी कर दिया था है अब हम इसराइल के बारे में जानते हैं। देखो जो है ना दोस्तों आपके पास में भूमध्य सागर के पास में एक छोटा सा देश है जहां पे अफ्रीका खत्म होता है हम कहते हैं इजिप्ट है यहां से मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है ना ये सऊदी अरेबिया सीरिया ईरान इराक इधर आपके पूर्व में रहेगा ठीक है ना इसके सबसे नॉर्थ में देखेंगे तो ये सीरिया का एक एरिया आ जाता है जिसको हम गोलान हाइट्स कहते हैं ये एक पठार है हाइट्स मतलब ऊंचा है ठीक है ना पठार है प्लेट्यू है, है, ना ये वाला रीजन यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको सी ऑफ द गैलीलीज देखने को मिलेगा है ना जिसको ल, लेक टिब्रिस का नाम दिया जाता है जॉर्डन नदी जो है वो यहां से और डेड सी के साथ में चलती है ठीक है ना ये देख लो इसकी बॉर्डर बनाती है नेचुरल बॉर्डर है है ना अब ये जो इज़राइल है आपके पास में इस इजराइल का आपको पता रखना है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वापस कह रहा हूं इज़राइल पेलेस्टीन इश्यू कई बार पूछा गया है टू स्टेट थ्योरीज के बारे में पूछा गया है गाजा स्ट्रिप के बारे में पूछा गया गोलान हाइट्स के बारे में पूछा गया है सुनो समझो सीखो यहां पर दो प्रमुख बेसिकली जो है एथनिक ग्रुप्स है एक है इसराइल जहां पे ज्यूज रहते हैं यहूदी रहते हैं दूसरा है आपके पास में जो वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप ये वाला इतना सा एरिया है ना और ये बाकी का ये वाला है इसको हालांकि अलग है परंतु इसी का भाग है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये मिलके क्या बनाते हैं आपका पैलेस्टीन बनाते हैं क्या बनाते हैं पैलेस्टीन बनाते हैं अब इन दोनों में बेसिकली जो है वर्चस्व की तो लड़ाई है ही है पहले इसराइल इतना बड़ा नहीं था इसराइल बहुत ही छोटी टेरिटरी में था धीरे धीरे इसराइल की टेरिटरी जो है ज्यादा कैप्चर करता गया और पहले पैलेस्टीन जो है वो ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में था धीरे 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 इनको इस वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया गया और गाजा स्ट्रिप तक सीमित कर दिया गया अब वेस्ट बैंक की जो सरकार है वो गाजा स्ट्रिप को ज्यादा फॉलो नहीं करती गाजा और वेस्ट बैंक की सरकार

और अपने आप में ही मैं कह सकता हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आपके पास में जो एब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है ना देखो क्रिश्चियनिटी है ज्यूज है इस्लाम इनको एब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है ना क्योंकि इनकी अगर रूट्स देखी जाए ना इनकी रूट्स कहीं ना कहीं जाते जाते आपके पास में कॉमन डिसेंडेंट से ही मिलती है तो यह एब्राहमिक रिलीजन के नाम से जाना जाता है कभी इस पर हम लोग विशेष लेक्चर भी लेंगे जिसमें इनकी तमाम जानकारी आपके साथ में सहजता से साझा भी करेंगे अभी हाल फिलहाल यह जानना है भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है यह रहा आपका गाजा स्ट्रिप यह है वेस्ट बैंक राजधानी है आपकी इसराइल की राजधानी है ठीक है ना यह याद रखना यह इजिप्ट का सिनाई पेनसला से इसका बाउंड्री लगता है सीरिया के गोलन हाउस से इसका बाउंड्री लगता है नॉर्थ में लेबनान है आपके पास में जॉर्डन रिवर जो है इसका कहीं ना कहीं आपका एक प्राकृतिक नेचुरल बॉर्डर बनाता है डेड सी जिसको कहा जाता है जिसके अंदर लवणता सैलिनिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप तैरने जाएंगे तो आप स्वतः तैरने लग जाएंगे के कारण उत्प्लावक बल के कारण ठीक है यह याद रखना साउथ में है नेगेव क्या है द नेगेव नेगेव डेजर्ट डेजर्ट क्या पूरा डेजर्ट एरिया है दोस्तों आपका है ना अंत में यह जॉर्डन ये जॉर्डन रिवर ठीक है यहां पर सीरिया चलो दैट्स इट क्वाइट क्लियर एवरी वन तो अब ये वाला जो एरिया है ना यह है आपका जेरोसलम रमला के पास में है ना तो वेस्ट बैंक की राजधानी क्या है रमला है ना इसराइल की राजधानी क्या है जेरूस्लाम अब ये लड़ाई यहां पे चल रही है कि जेरूसलाम इसराइल लेना चाह रहा है और वेस्ट बैंक कह रहा है कि जेरूसलाम एंसेस्ट्रल तरीके से हमारा है ठीक है ना बस इतना सा याद रखना है सो फोर सोल्जर्स जो हैं वो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वापस लड़ाई के अंदर मारे गए हैं और तीन इंजर्ड हुए हैं फ्रेश क्लैसेज वापस आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल पड़े तो अब हमें इनके कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा डिटेल में जाने उससे पहले इनकी मैपिंग जरूर देख लेते हैं चार आर्मेनियंस जो हैं मारे गए हैं और तीन अजरबेनी सोजानस को वुंडिंग हुई है आपके पास में ठीक है ना दोनों अक्यूज कर रहे हैं आपके पास क्या सर इसकी गलती है उसकी गलती सबसे सबसे पहले यह मामला है कहाँ का ऐसे याद रखना कि इसके बारे में पूछा भी जाता है कि टर्की काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से आपके पास में ठीक है ना सो so, इसपे प्रश्न पूछे गए हैं टर्की काउंसिल्स के बारे में है ना और हम इसकी जानकारी लेते हैं देखो टर्की काउंसिल दो में बनी थी आपके पास में वह देश जो टर्की भाषा बोल सकते हैं टर्की काउंसिल्स के हिस्से थे आपके पास ठीक है ना ताकि इनमें कॉपरेशन है ना एक परस्पर समन्वय की भावना बढ़े तो अजरबैजान कजाकिस्तान किर्गिस्तान टर्की इनमें हिस्सा थे फिर आपके पास में जो है उज्बेकिस्तान भी इसका एक मेंबर बनता है अब आप देखेंगे कि सर अर्मेनिया का कुछ क्षेत्र अजरबैजान के पास है अजरबैजान का कुछ क्षेत्र अर्मेनिया के पास और दोनों ही एथनिकली थोड़े से डाइवर्स है और दोनों के बीच में क्लैशेस भी होते रहते हैं ठीक है ना अभी यहां पे एक फ्रेश क्लैश हुआ है देखिए अर्मेनिया की बॉर्डर टर्की से लगती है जॉर्जिया फिर इधर देखेंगे अजरबैजान के पास में रशिया है ना और इसके पास में सी है ना अजरबैजान की राजधानी कौन सी है बाकू कौन सी है बाकू इन दोनों के बीच में बेसिकली जो है मतलब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये वाला क्षेत्र जो है इसके कारण लेकर के लड़ाई हो रही है एरिया का नाम क्या है नागोरनो कारबाक मेरे साथ बोलो नागोरनो खैरबाक नागोरनो खारबाग है ना ये वाला रीजन जो है यह कंफ्लिक्ट कंफ्लिक्टेड जोन है जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लासेस में है ईरान और उत्तर में है जॉर्जिया अर्मेनिया की राजधानी कौन सी है यरवान कौन सी है यरवान यह इसकी राजधानी है दोस्तों इसको अच्छे से याद रख लेना आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉर्डर क्लासेस हैं आपके इन दोनों के बीच में अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे को सॉल्व करके दिखा दीजिए दोस्तों ठीक है ना के सर आर्मेनिया की किस किस से बॉर्डर लगती है जॉर्जिया ईरान टर्की किस किस से लगती है इराक ठीक है इसराइल से तो ऑब्वियसली नहीं लगने वाली है ना वह ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में गुमनाम नाइका है दो हजार इक्कीस में औपनिवेशिक काल के दौरान सराब अफीम के खिलाफ लड़े के नेतृत्व में गोली मार दी गई थी स्वतंत्रता आंदोलन की पहली महिला शहीद भी है आपके पास में तो इनका क्या नाम है आपका कादम्बिनी गांगुली प्रीति ललता या फिर मांगरी औरंग ठीक है प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपको बेसिकली बताना है कि कौन से दोनों कथन सही है तहत लॉन्च किया गया सबसे पहला था नीलगिरी और अभी जो आखिरी लॉन्च किया गया है वो है महेंद्र गिरी फिर है आपका आर्मेनिया के साथ में किसकी की बॉर्डर लगती है अभी हमने जाना कि सर आर्मेनिया के साथ में कौन कौन से बॉर्डर क्या जॉर्डन है इसराइल है लेबनान है सीरिया है साइप्रस है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताने वाले फिर है आदित्य एलवन क्या आपके पास में ये इसरो और जाक्सा का मिजन है जाक्सा क्या है जापान की स्पेस एजेंसी क्या है ये? जापान की स्पेस एजेंसी सर जाक्सा का नहीं है मात्र मात्र किसका है किसका है आपके पास में <coughs> कमेंट करके बताएंगे क्या ये इसरो और जाक्सा दोनों का है नहीं है सो सैटेलाइट प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट कैन कंटिन्यूसली व्यू द सन विदाउट द ऑक्यूलेशन और एक्लिप्स क्या ये पॉइंट सही है आपके पास में क्या ये हेलो ऑर्बिट के अंदर आने वाला है? हेलो मतलब सूर्य की ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ जल्दी से बताओ लेगरेंज पॉइंट क्या होता है आपके पास में दे आर पोजिशन इन द स्पेस है ना दे आर पोजिशन इन द स्पेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ द टू बॉडीज आर रीजन इन द द अट्रैक्शन दट्रैक्शन बिल्कुल सर एक ऐसा पॉइंट जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर होता है मतलब ये बैलेंस में रहता है ये एल वन पॉइंट तो ये एक पॉइंट मेरे को सही लग रहा है बाकी ये जागसा के कारण ये गलत हो गया हेलो के कारण ये पॉइंट गलत हो गया ओनली